हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लास्ट एंट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं लास्ट एंट्री को निकालने के लिए। अब यहां पर मान लीजिए कि इस डेटा में हमें लास्ट एंट्री यानी कि ये वाली एंट्री जो आपको दिख रही है ये हमें यहां पर लानी है, ठीक है। मतलब कि जब हम यहां पर कोई नई एंट्री ऐड करें तो यहां पर लास्ट एंट्री जो है ऑटोमेटिक यहां पर ऐड हो जाए। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसके लिए हम लगाएंगे ऑफसेट फार्मूला, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब मान लीजिए कि यहां पर हमें लास्ट एंट्री निकालनी है, तो मतलब लानी है हमें, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इक्वल टू टाइप किया, उसके बाद ओ डबल एफ एस जैसे ही मैंने टाइप किया नीचे देखिए ऑफसेट फॉर्मूला आ गया। इस पर डबल क्लिक करिए, फॉर्मूला यहां पर ओपन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले ये वाली हेडिंग ले लेनी है, ठीक है। ये हेडिंग हमने यहां पर ले ली, उसके बाद यहां पर कॉमा टाइप करिए। अब यहां पर हमें काउंट ए फॉर्मूला जो है ऐड करना है, तो सी ओ यू एन टी ए हमने टाइप किया, तो देखिए काउंट ए फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर डबल क्लिक करिए, फॉर्मूला यहां पर ओपन हो गया। आप ध्यान से देखिएगा यहां पर हमें ये वाला पूरा कॉलम जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पहला वाला मतलब पहली वाली हेडिंग का जो कॉलम आपको दिखेगा वो पूरा यहां से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद हमें यहां पर जो है ब्रैकेट क्लोज कर देना है, उसके बाद यहां पर माइनस वन, उसके बाद कॉमा और जीरो टाइप कर दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट यहां क्लोज कर दीजिए, उसके बाद आप इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए लास्ट एंट्री का जो यहां पर के था मतलब लास्ट एंट्री जो थी वो यहां पर आ चुकी है। अब बाकी के लिए सिंपल इसको सेलेक्ट करिए और यहां से पकड़ के इसको ऐसे यहां तक ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए यहां पर 5 है और लास्ट एंट्री यहां पर 12508 है। अब मान लीजिए कि मैं यहां कोई चेंज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे जे टाइप कर देता हूं, तो ये देखिए यहां पर जो है चेंज हो गया। यहां पर मान लीजिए मैं डबल टू ट्रिपल टू टाइप कर देता हूं, तो जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहां पर ये चेंज हो गया।